हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं, जो हमने डिस्कस करनी है, हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो हम जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? सो जब हम कोई सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो हमने पढ़ा है कि वो सॉल्यूशन बनाते हैं, और हमने ये भी देखा है कि दो टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, एक बनते हैं आइडियल सॉल्यूशन, दूसरे बनते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो एक हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में जब भी हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वहाँ पर हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम बात करेंगे कि सपोज हमने एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डाला है, तो सॉल्यूट क्या है हमारा? नॉन वोलाटाइल। ओके, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मींस हमने कोई सॉलिड सॉल्यूट जो है लिक्विड में डाला, क्लियर। तो वहां पे हम ये भी कंसीडर करके चलेंगे कि वो सॉल्यूशन जो है वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मींस अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, ठीक है। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जब हम उनकी उनकी प्रॉपर्टी स्टडीज करते हैं तो वहां पे हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। तो कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो उस सॉल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। तो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, ठीक है। तो उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ओके। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स बट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ओके। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ओके, विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओनली। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हमारे सिलेबस में गिवन है जिनको हमें स्टडी करना है? फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी विच वी विल डिस्कस दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इन सभी प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? ओके, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की, तो हम यहां पे एग्जांपल लेके चलेंगे और इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सपोज हमारे पास यहां पे दो बीकर हैं, ठीक है, दो सिस्टम हैं, एक में हमने प्योर सॉल्वेंट डाला हुआ है और दूसरे में हमने सॉल्यूशन डाला हुआ है, और सॉल्यूशन भी कौन सा है? जिसमें नॉन वोलाटाइल हमने सॉल्यूट डाला हुआ है, ठीक है। सो दिस इज ए प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज ए सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्यूट है दैट इज नॉन वोलाटाइल, क्लियर। अब क्या होगा कि इन सिस्टम को हमने क्लोज किया हुआ है और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इनका वेपर प्रेशर। तो हमने बताया हुआ है कि जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपोराइज होंगे, वेपर बनेंगे, और वहाँ पे वेपर की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कंडेंस करने लग जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कुछ समय बाद क्या होगा कि इन दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, मींस द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन कम्स इन इक्विलिब्रियम विद द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, और उस टाइम पे जो वेपर्स होंगे वो उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जिसके साथ वो इक्विलिब्रियम में हैं उसकी सरफेस के ऊपर क्या करेंगे? प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, और उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज पी ए नॉट,
क्लियर। अब इसी सॉल्वेंट में हमने एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया है बहुत ही कम अमाउंट में, क्लियर। अब बहुत कम अमाउंट में डाला है तो मीन्स वो टिक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया है, बट उसमें जो सोल्यूट है दैट इज नॉन वोलाटाइल। अब उस सोल्यूशन में भी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, वेपोराइज करेंगे। अब सोल्यूट वेपोराइज नहीं करेगा बिकॉज दैट इज ए नॉन वोलाटाइल, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जब अगेन इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा विद द वेपोराइजेशन एंड द कंडेंसेशन, तो वहां पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वहां पे होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में है उन मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर। अब क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मैंने बताया कि नॉन वोलेटाइल है तो वो वेपराइज नहीं करेंगे और उनके कारण हमारा कोई वेपर प्रेशर नहीं रहेगा। अब क्योंकि ये जो वेपर निकल रहे हैं ये सॉल्यूशन से निकल रहे हैं तो इसी को ही हम बोल देते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और वी कैन से कि पी विद दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो पी ए है, ये जो पी है दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ दी पी ए नॉट। अब इसके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि ये जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में वो लेस क्यों होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट से, वो इसलिए कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी सरफेस के ऊपर कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन वेपोराइज, ठीक है। उस केस में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो वो कम मॉलिक्यूल के कारण जो वेपर प्रेशर बनेगा दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और वो क्या रहेगा, प्योर सॉल्वेंट से कम रहेगा, क्लियर है। तो अब बात करते हैं रॉल्स लॉ की। तो रॉल्स लॉ में हमने डिस्कशन किया हुआ है कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, ठीक है। मींस किसी भी कंपोनेंट का अगर हमने पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन में दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रॉल्स लॉ। एंड रॉल्स लॉ सेज दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको ये रॉल्स लॉ के बारे में नहीं पता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगेन एंड अगेन कि आप पहले वो वीडियोस देखिए जिसमें मैंने रॉल्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिटेल में डिस्कशन की है, क्लियर, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है हमेशा इसकी वैल्यू जो है लेस देन वन रहती है, ये भी एक कारण हम कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है हमेशा लेस देन वन होती है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सपोज दो कंपोनेंट का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वहां पे दोनों कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी है तो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो मीन्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज लेस देन वन एज वेल एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज लेस देन वन, क्लियर। तो इसी वजह से अगर इसकी वैल्यू लेस देन वन है और उस वैल्यू को अगर हम जब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन पी ए नॉट आएगी, क्लियर। बिकॉज अगर एक्स ए की वैल्यू वन आती है इन दैट केस वी कैन से दैट कि जो मोल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए का इन सॉल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट, बट ऐसा नहीं होता, क्लियर। सो अब बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये तो हमने सिंपली वेपर प्रेशर को फिर से एक बार डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है, कैसे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहां पे हमारे पास ये रिलेशन आया कि जो पी है दैट इज इक्वल टू पी ए विच इज इक्वल टू एक्स ए एंड पी ए नॉट, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, है ना, क्योंकि हमने बोला कि पी जो है दैट इज इक्वल टू पी ए है एंड पी ए जो है दैट इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट है। तो इसी वजह से पी ए पी इज इक्वल टू पी ए हो गया एंड दैट इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट हो गया। अब यहां से क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का दैट विल बी लोअर देन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब उसको कैसे निकालेंगे, तो अगर हम प्योर स्टेट के जो सॉल्वेंट का हमारा जो वेपर प्रेशर है उसमें से अगर हम जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का सोल्यूशन में है उसको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि कितना लोअर हुआ हो, ठीक है, कितनी लोअरिंग हुई वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दिस इज गिवन एज द डेल्टा पी, मीन्स चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर, ठीक है, लिख सकते हैं इसको हम ऐसे।
अब क्योंकि पी ए जो है दैट इज इक्वल टू पी ऑल्सो, सो वी कैन से दैट कि डेल्टा पी ए जो है दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए, और इट इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी, ठीक है। अब पी की वैल्यू क्या है, दैट इज एक्स ए पी ए नॉट, सो वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो इक्वल टू पी ए नॉट माइनस एक्स ए पी ए नॉट, लिख सकते हैं हम इसको, है ना। अब ये क्या है, डेल्टा पी, ओके। सो इनमें से अगर हम पी ए को कॉमन ले लेते हैं, अगर हम पी ए को यहां से कॉमन ले लेते हैं, सो व्हाट विल बी द डेल्टा पी ए, दैट विल बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू वन माइनस एक्स ए, वन माइनस एक्स ए, व्हाट विल बी वन माइनस एक्स ए, वन माइनस एक्स ए विल बी एक्स बी, क्यों, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या है, वन है, सो एक्स बी विल बी इक्वल टू वन माइनस एक्स ए। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो वी विल हैव द डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स बी, क्लियर। अब ये जो डेल्टा पी ए है दैट इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो पी ए इज नोन एज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बट हमने क्या निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, अगर हम इस डेल्टा पी ए मीन्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिवाइड कर दें पी ए नॉट से, मीन्स इफ वी डिवाइड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विद द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट, दैट बिकम्स द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट बिकम्स द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्लियर है। अब क्योंकि डेल्टा पी ए विच इज इक्वल टू पी ए नॉट एंड एक्स बी है, तो अगर हम दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं पी ए नॉट से, सो वी विल हैव डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट विच इज इक्वल टू एक्स बी, ओके। तो मीन्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मीन्स दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डिपेंडिंग अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन है किसी भी कंपोनेंट का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, अब यहां पे एक्स बी क्या है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्लियर। एंड नंबर ऑफ मोल्स, इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10+1 मोल कंसेप्ट, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मींस नंबर ऑफ मोल्स जो है पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, और नो सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, क्लियर। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज दैट इज डिपेंडिंग ऑन द मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अल्टीमेटली द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर है। अब बात करते हैं कि इसका यूज क्या है, हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कहां यूज कर सकते हैं, तो किसी भी अननोन सब्सटेंस का अगर हमने मॉलिक्यूलर वेट निकालना है उस वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, वो कैसे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट विच इज इक्वल टू एक्स बी, ठीक है। एंड एक्स बी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सो वी कैन से दैट व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर। अब क्योंकि हमने शुरू में कंसिडर किया था कि वी हैव ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि
कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट्स आर वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. इन दैट केस वी कैन निगलेक्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन डिनोमिनेटर. क्लियर? उस केस में हमारा जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए. सो विच वी कैन राइट द डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम ए. क्लियर? अब क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एक अननोन सल्यूट का मोलर मास. वो कैसे निकालेंगे, हमें नहीं पता कि वो सल्यूट क्या है और इसका मोलर मास क्या रहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे. अब क्योंकि यहां से हमारे पास ये इक्वेशन बनी, डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट विच इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए. अगर हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो कि हम एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, और कौन सा सॉल्वेंट हमें गिवन है उसका मोलर मास और उसका मास अगर हमें पता हो, तो हम मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट निकाल सकते हैं. मींस हमें एक सॉल्वेंट दिया गया, बताया गया है कि इतने ग्राम हमारा ये सॉल्वेंट है, सपोज वाटर है, ठीक है, तो वहां से हम उसके नंबर मोल्स निकाल सकते हैं. वेट हमें गिवन है, मोलर मास हमें पता है, उसका हम नंबर मोल्स निकाल सकते हैं. सिमिलरली हमें यह बताया जाता है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपको दिया जाता है जो कि अननोन है, उसका इतना अमाउंट आपने उसके अंदर डालना है, वो हमें वेट पता है, दैट मींस डब्ल्यू बी हमें पता है, ठीक है, डब्ल्यू बी हमें गिवन है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें गिवन है और वेट ऑफ द सॉल्वेंट भी हमें गिवन है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन का हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है. मींस वी विल स्टडी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एज वेल एज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड फ्रॉम दैट वी विल टेक द डिफरेंस. जहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम क्या करेंगे, जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है उससे डिवाइड करेंगे, तो वहां से हमारे पास निकल आएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो ये भी हमारा एक्सपेरिमेंट से निकल आएगा, ठीक है, तो ये भी हमारा कैलकुलेट हो गया. तो रह क्या गया, एम बी, जो हम इजिली निकाल सकते हैं. सो वट विल बी द रिलेशन, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट, ठीक है. सो बाकी सब कुछ हमें गिवन होगा, तो एम बी हम वहां से इजिली निकाल सकते हैं. ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने फर्स्ट जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बारे में डिस्कशन की है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड और थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.